भाइयों जो आज वीडियो बनाएंगे महिंद्रा का 65 HP का नोवो ट्रैक्टर, नोवो 655 DI। और भाइयों पटलिंग में ट्रैक्टर चल रहा है, मतलब कि इसके बाद इसमें मुंजी लगाई जाएगी। तो भाई इसके पीछे 9 फीट का परम का रोटावेटर है। बाकी भाई साहब बैठे हैं, उनसे पूरा जानकारी लेंगे कि भाई जो रोटावेटर है अपना, जो ट्रैक्टर है, जो रोटावेटर है, इसमें कोई पानी वाने की जाने की दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि पटलिंग में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैरों वगैरह में पानी चला जाता है और उसके बाद में या तो सी ऑयल ख़राब हो जाता है या बैरिंग वगैरह टूट जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रैक्टरों के बारे में भी जानकारी लेंगे भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। पंखा वगैरह भाई साहब ने लगा रखा, एक मिनट बंद करेंगे। अच्छा भाई साहब अपना नाम बताओ सबसे पहले। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी। अच्छा ये आपका जो रोटावेटर है कितने फीट का है जी? 9 फीट का है। 9 फीट का है। अच्छा कितने साल हो गए चलाते हुए आपको ये वाला रोटावेटर अपना? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो इससे जो पिछला साल था उसमें भी आपने मुंजी लगाई होगी इसी रोटावेटर से? तो कभी ये समस्या आई कि इसमें पानी वानी चला गया हो या मिट्टी चली गई हो और बैरिंग टूट गया हो कुछ ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं। क्योंकि मैंने आपको, जैसे मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो काफी कई सौ एकड़ आप लगाते हो आप। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई भी। अच्छा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई? ना, ना, ना। क्योंकि मुंजी भी थोड़ी बहुत ही लगाते हो, बहुत लगाते हो क्योंकि वो थोड़ा सा रिव्यू लेने को, किसान भाई क्या करते हैं ज्यादातर ना रोटावेटर ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें बड़ी दिक्कत आती है जो हल्की कंपनी के रोटावेटर ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परम के रोटावेटर से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई आपको कभी? है ना, ठीक है जी। अच्छा वो जो अपना ट्रैक्टर है महिंद्रा, ये आपको कैसा लगा जो 65 HP का आपका ट्रैक्टर है? बढ़िया ट्रैक्टर है, पूरी तबीयत खुश वाली बात है। अच्छा कौन से गियर में चला रहे थे आप फिलहाल? अब जो चला रहे हैं अब तो दूसरे के लो में चला रहे, इससे थोड़ी ये जो है मिट्टी वैसी है रेतली। अच्छा जी, तो ये बैठ जाती है जल्दी। अच्छा तो इसकी ज्यादा बारीक तरीके से कटिंग करोगे? तरीके से कटिंग कर रहे हैं। अच्छा जो बैठे ना, मतलब जो मतलब पिलपिला रहे? पिलपिला रहे जी 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 जी। तो भाई जो किसान भाई ने पूरा फुल अपना दिमाग लगा के काम कर रहे कि कोई राजू भैंस को पानी बदलिए आप, तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे है ना, तो घर के काम में भाइयों यही फर्क होता है। अच्छा एक बार भैया और बताओ आप कि ये 4 व्हील लगा के चला रहे थे या 2 व्हील लगा के चला रहे थे? अच्छा 2 व्हील में कोई स्लिपिंग है ट्रैक्टर में? थोड़ी हल्की सी स्लिपिंग, क्या देखो जब उसमें चलता है खेत में जी, अल्ले में जी, तो थोड़ी स्लिपिंग तो लेगा ही। बिल्कुल लेगी बिल्कुल। तो हाँ किचड़ी हो रहा है एक तरीके का हो रहा है जी। फिर ये जो है कल भी भरा था हमने, आज भी भरा, बरसात होगी तो थोड़ा सा खेत टाइट भी हो रहा है जी जी जी। हाँ हाँ, इसलिए इसमें 4 व्हील ड्राइव चला रहे इसमें। तो भाइयों देखो अगर 4 व्हील ट्रैक्टर लिया है तो उसका पूरे अच्छे तरीके से उपयोग भी करो। चलो भैया चला के दिखाओ आप, है ना। तो 9 फीट का परम का रोटावेटर है, मैंने आपको पूरा भाई साहब से जो एक्चुअल में कंपनियां तो बहुत कुछ कहती है कि हमारा रोटावेटर ऐसा है, हमारा रोटावेटर वैसा है, लेकिन जो सही रिव्यू है, जो कमी और खामी जो भी है कोई भी इम्प्लीमेंट में, वो किसान ही बता पाएगा अच्छे तरीके से। तो दूसरे के लो में ट्रैक्टर चल रहा है तो भाई कुछ भाई ये भी कहेंगे कि भाई बहुत कम चाल है दूसरे के लो में। भाइयों जो हाई लो मीडियम वाले ट्रैक्टर होते हैं जिसमें 3 ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले दूसरे तीसरे लो में बहुत कम चाल रहती है। तो ट्रैक्टर है भाइयों ये अपना 2,540 निकालता है। और 9 फीट का रोटावेटर कोई छोटी सी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। ट्रैक्टर भी बड़ा है और पीछे से देख लीजिए कि रोटावेटर भी कितना लगा रखा है भाई जी ने ऐसे। एक तो कोई पानी पानी वो ऊपर ऊपर चल रहा, तो आप देख सकते हो कि नीचे से जो अपनी गिल्ली मिट्टी भी सूखी मिट्टी भी निकाल दी रोटावेटर ने, है ना। तो भैया हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद रहता है यही रहता है कि जो किसान इम्प्लीमेंट चला रहा है और जो किसान लेने वाला है वो वीडियो को देख के पूरे अच्छे तरीके से जान जाए कि ये इम्प्लीमेंट हमारे जमीन में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, है ना। तो भाई अब परफॉर्मेंस देख ही लो ट्रैक्टर की कैसी है, बड़ा एक फ्रीली टाइप का ट्रैक्टर चल रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि RPM ड्रॉपेज है कुछ ट्रैक्टर में। देखो थोड़े बहुत तो होते ही होते हैं, लेकिन किसान का काम अच्छा होना चाहिए,
तो भाई दोनों तरफ से रोटावेटर के हैं, ब्लेड लगे हुए हैं और सॉरी तवे लगे हुए हैं, जिससे ट्रॉली वगैरह बिल्कुल नहीं बनेगी। तो भैया 9 फीट का जो रोटावेटर है, देखो कितना इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो काफी जगह लेके रोटावेटर जो है अपना चलता है, 9 फीट का रोटावेटर। और भैया कुछ इलाके में जैसे पंजाब स्टेट होगी या हरियाणा स्टेट होगी, वहां पे पडलिंग में ज्यादा रोटावेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके वहां हैरो है उसी से वो करते हैं, क्योंकि मिट्टी का जमीन का बड़ा फर्क पड़ता है। जहां पे ज्यादा पक्की मिट्टी है तो उसका अच्छा गारा बनता है, पक्की मिट्टी का मतलब होता है जहां पे क्ले सोयल है वहां पे ज्यादा अच्छा गारा बनता है, तो वहां रोटावेटर चलाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पे रेतली मिट्टी हो या मध्यम वर्गीय मिट्टी हो, ना रेतली हो ना पक्की हो, तो वहां पे जो पडलिंग जो अपना मचाई करते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है रोटावेटर का। जब रोटावेटर नहीं थे दोस्तों तो टीलर से ही किसान करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो किसान उनका पूरा अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और भाई इस ट्रैक्टर में ये नोवो के कई मॉडल आते हैं, 655 में ही इकोनॉमी पीटीओ पावर पीटीओ वाले भी आते हैं, सिंक्रो शटल वाला भी आता है, लेकिन जो ये वाला मॉडल है ये एक ही पीटीओ वाला है, इसमें सिंक्रो शटल लगा हुआ है। सबसे जो अच्छी बात लग रही है रोटावेटर की और ट्रैक्टर की भी, मैं आपको वो बताऊंगा कि इसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है, ना तो रोटावेटर में है और ना ही जो अपना ट्रैक्टर में है। तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन का मतलब है कि खड़बराहट बिल्कुल नहीं है, ना वाइब्रेशन है किसी तरीके की, और ना रोटावेटर में है किसी तरीके की वाइब्रेशन, सिर्फ ट्रैक्टर के इंजन की आवाज आ रही है, इसके अलावा कोई आवाज नहीं आ रही। तो 65 HP में ये ट्रैक्टर एक काफी अच्छा ऑप्शन है। दूसरे के गियर में 1600 RPM पे ट्रैक्टर चल रहा है। और भाइयों देखो किसान भाई ने पीछे अपना पूरा कह सकते हैं कि एक पूरा सेफ्टी गार्ड ही पीछे पल्ली बांधी हुई है, जिससे कि गारा वगैरह ड्राइवर तक बिल्कुल भी ना जाए। देखो रोटावेटर पूरी गहराई ले रहा है जी अपनी, नीचे से जो है सूखी मिट्टी निकल रही है।